हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ठोस आकारों के आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स के बारे में और सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। चंपापुर में नई कंपनी ने जूस का उत्पादन शुरू किया है। इस कंपनी ने इश्तेहार दिया है कि उन्हें जूस के डिब्बों का इस्तेमाल करके एक अनोखा आकार बनाना होगा, जिसके आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, वो इनाम जीत जाएगा। सभी गांव वालों ने जूस के डिब्बों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के आकार बनाए। लेकिन ये क्या, अप्पू और भोला में लड़ाई क्यों हो रही है? अच्छा, कंपनी के मालिक तर्रू मेंढक ने अप्पू और भोला दोनों को विजेता घोषित किया है, इसलिए दोनों लड़ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। देखो, मेरा आकार भोला के आकार से कितना चौड़ा है, इसका मतलब मेरे आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इनाम केवल मुझे ही मिलना चाहिए, अप्पू ने कंपनी के मालिक तर्रू से कहा। नहीं, मेरा आकार अप्पू के आकार से बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरे आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन वॉल्यूम अप्पू के आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों के कुल आयतन से जरूर ज्यादा होगा। इनाम केवल मुझे ही मिलना चाहिए, भोला ने कहा। देखिए, मैं आप दोनों को समझाता हूँ। हर जूस का डिब्बा घना क्यूबॉइड आकार का है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हर जूस के डिब्बे की सबसे निचली परत लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 4 40 घन के बराबर है। और क्योंकि डिब्बे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ऐसी ही 3 परतें होंगी। इसका मतलब जूस के एक डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 40 गुणा 3 120 घनों के बराबर होगा। तर्रू मेंढक ने अप्पू और भोला को समझाया। अप्पू, तुम्हारे आकार में तुमने कितने जूस के डिब्बों का इस्तेमाल किया है? 50 डिब्बे, अप्पू ने झट से कहा। इसका मतलब तुम्हारे आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन होगा 50 गुना एक डिब्बे का आयतन, 50 गुना 120, 6000 घनों के बराबर। भोला, तुम्हारे आकार में कितने डिब्बे इस्तेमाल हुए हैं? मैंने भी 50 डिब्बों का इस्तेमाल किया है। अप्पू, क्या अब तुम बता सकते हो कि भोला के आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर होगा? भोला के आकार में भी 50 डिब्बों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसके आकार में इस्तेमाल हो रहे जूस के डिब्बों का कुल आयतन भी 50 गुणा 120, 6000 घनों के बराबर होगा। अच्छा, अब मैं समझ गया। भले ही अप्पू और मेरे आकार अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बराबर डिब्बों का इस्तेमाल किया है, हमारे आकारों में इस्तेमाल हो रहे जूस का कुल आयतन बिल्कुल बराबर है। दोनों दोस्तों को टर्रू की बात समझ आ गई और दोनों ने मिलकर इनाम को खुशी खुशी ले लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने ठोस आकारों के आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।
Thank you.